अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद रिहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल एथिक्स मेडिकल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ अ गुड डॉक्टर इज हु एक्ट अपॉन रेगुलेशन ऑफ हिज प्रोफेशन बाई आल मीन्स प्रोवाइडेड बाई पी एम डी सी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मॉरल फिलोसफी एंड इन अ सिंपलेस्ट वे इट कैन बी डिफाइंड एज द ऑफ अ मॉरल नेचर विच गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन तो ये एथिक्स हैं रूल्स हैं कुछ क़ायदे कानून हैं जिसके तरीके से आपने चलना है अपनी डॉक्टर डौक्ट, डॉक्टर ने चलना है अपने पेशेंट्स के साथ जिनको वो चेक करेगा तो इसका रेलिवेंस है डॉक्टर के साथ इसका स्कोप है तो ब्रांचिज ऑफ एथिक्स रेलिवेंट टू मेडिकल प्रोफेशनल सबसे पहले है नॉर्मेटिव एथिक्स यानी कि प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल विद इस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ कंडक्ट कार्ड नॉर्मेटिव एथिक्स दिज एथिक्स गाइड अ डॉक्टर वट इज़ राइट और रॉन्ग इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन टू चूज़ टू इम्प्रूव अपेंडिक्स विदाउट पेशेंट परमिशन इन अगेंस्ट द एथिक्स यानी कि अगर पेशेंट को अपेंडिक्स का मसला है और आपने बग़ैर पेशेंट की इजाज़त के उसको ऑपरेशन लिख दिया है तो ये एथिक्स के खिलाफ है आपने पेशेंट को पहले बताना है कि आपके साथ ये इशू है इसका ये आ, आ, हल है तो उसके बाद ही आप कोई चीज़ उसको सजेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हैं कंपेरेटिव एथिक्स इट इज सिंपली इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग हाउ पीपल बिहेव एंड और वट सॉर्ट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स दे क्लेम टू फॉलो पीपल एक्सपेक्ट डॉक्टर शुड बी काइंड केयरिंग हेल्पिंग कमिटेड टू हेल्थ कीप द गेंस ऑफ देयर पेशेंट अबव देयर ओन पेशेंट जो आपके पास आते हैं जो लोग आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि डॉक्टर काइंड होगा उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा और उनकी हेल्थ कंसर्न को सबसे आगे रखेगा तो आपने भी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पूरा उतरना है इसके बाद इसके पिलर्स हैं ऑटोनॉमी है बेनीफिशेंस और नॉन मेलीफिशेंस और जस्टिस सबसे पहले ऑटोनॉमी द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दैट इज़ अथोरइज द पेशेंट टू डिसाइड हिमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि पेशेंट को डिसाइज करने दें फैसला लेने दें कि आया उसने ऑपरेशन करवाना है या नहीं या मेडिसिन ट्रीटमेंट जारी रखना है या नहीं कोई भी चीज़ उसके ऊपर फोर्स ना करें it implies that the doctor give all information both positive and negative to the patient and then let the patient to choose the way of treatment autonomy refer to the capacity to be one's own potential to live one's life according to reasons and motive that are taken as one's own and not the product of controlling or distorting external forces giving power to the patient beneficence the term beneficence refer to the action that promote the well-being of other इन द मेडिकल सिचुएशन दिस मीन टेकिंग एक्शन एंड डेट्स आर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट यानी कि पेशेंट का आपने भला सोचना है कोई भी आपने ऐसा काम नहीं करना जो उसके खिलाफ जाए इट इज़ अ कमिटमेंट टू प्रमोटिंग द क्लाइंट वेलबींग डॉक्टर कॉल आल द प्रोफेशनल टू डू गुड फॉर आल पेशेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांसिज एंड डू गुड एज पेशेंट रिक्वायर फॉर हिज वेलबींग यानी कि डॉक्टर और उसका जो स्टाफ है वो सबको ये गाइड करेगा कि आपने जो है पेशेंट्स की पेशेंट्स का ही भला सोचना है नॉन मेलिफी सेंस इट इज़ द कमिटमेंट ऑफ डॉक्टर टू डू नो हार्म और मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल इन हिज थेरापूटिक इंटरेक्शन विद हिज पेशेंट यानी कि अपने पेशेंट को जो है वो कोशिश करे कि कोई भी नुकसान ना पहुँचे न मेडिसन से ना उससे ना उसके किसी स्टाफ से द कन्सेप्ट ऑफ नॉन मेलिफी सेंस इज़ सेम्बुलाइज बाई द स्लोगन फर्स्ट डू नो हार्म और द लेटिन प्रीमम नॉन नो से may consider that should be the main or primary consideration hence premium premium that is more important not to harm your patient that uh, than to do than to do them good it ensures that doctor will protect his patient against all forms of harm and behave in the same way with the patient as as father act in a पैटर्निस्टिक वे विद हीस चिल्ड्रन यानी कि डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ इस तरीके से पेश आना चाहिए जिस तरीके से एक बाप अपनी औलाद के साथ आते हैं इसके बाद अ जस्टिस द जस्टिस मीन्स डेट हेल्थ रिसोर्स मस्ट आलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कीप इन वाइंड द इक्वल नीड एज अयर ऑफ इक्विटी द जस्टिस इज द फेयर इक्विटेबल एंड न्यूट्रल ट्रीटमेंट ऑफ आल क्लाइंट्स एंड द प्रोविजन ऑफ एडिकेट सर्विसेज रिस्पेक्टिंग दियर ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी इसके बाद अ कॉमन एथिकल ओमिशन इन प्रैक्टिस यानि कि कौन कौन से एरर आ सकते हैं तो इनफॉर्म्ड कॉन्सेंट यानी कि इन एथिक्स यूजली रेफर टू द आइडिया डाटा पर्सन मस्ट भी फुली अबाउट एंड अंडरस्टैंड द पोटेंशल बेनिफिट रिस्क ऑफ देयर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट यानि कि पेशेंट को जो है वो फुली तौर पर इनफॉर्म हो अपने ट्रीटमेंट के बारे में कि उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है उसी तरीके से वो अपना ट्रीटमेंट चूज़ करे जैसे एन के अंदर उसको बताया जाए कि हाँ भाई आप बेहोश हो जाएंगे हम ये करेंगे तो फुली तौर पर उसको पता होना चाहिए ऐसा ना हो कि आप उसको बताएं और बाद में कहें कि आप ये पेशेंट का क्या मेरे साथ ये क्या कर रहे हो कॉन्फिडेंशली इट इज़ कॉमनली अप्लाइड टू कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत के दौरान बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट इट प्रोटेक्ट एंड पेशेंट्स प्रोटेक्शन बिट प्रिवेंट फिजिशन फ्रॉम रिविलिंग देयर डिसीजन विद पेशेंट इवन अंडर इन कोर्ट यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए डॉक्टर को एग्जांपल इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ डाटा विद पेशेंट्स रिलेटिव यानी कि अगर पेशेंट ने कहा है कि उसका डाटा शेयर ना किया जाए तो वो ना करे और पब्लिशिंग ऑफ पेशेंट डाटा प्रोविजन ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मिंग टू हिज और हर एम्प्लॉयर यानी कि इस तरह का कोई भी काम ना किया जाए पेशेंट की मर्जी के बगैर तो ये थे कुछ हमारे एथिक्स पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स और मेडिकल एथिक्स डॉक्टर्स के लिए जो कि आपको भी पता होना चाहिए एज आ पैरामेडिकल स्टाफ मज़द वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अल्लाह हाफ